मायावती भी रैली कर गई यहाँ पर, आप देखना जी जी। और इधर जो एएसपी के जो हैं चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी रैली कर गए। लेकिन कोई ज्यादा कितना डेंट डालेंगे कांग्रेस के वोट को, रैली का इतना मुकाबला यहाँ पर तिकोना माने या सीधा माने, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, गांव में बात हो रही थी जी। तो वो कह रहे थे कि दीपक डागर हमारे गांव में 600-700 वोट ले गए, रघुवीर सिंह तेवतिया के समर्थक गांव माना जाता है, सीधा डेंट डाल दिया उन्होंने। अरे डेंट तो डलेगा नेचुरल है, जब वोट कटवा फिर उसको वोट कटवा मत बोलो। रघुवीर सिंह तेवतिया को काम मानते हैं, 22-23 गांव अभी तक किए हैं जी जी। लोग नैनपाल का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सरगर्मियां हैं, आप कहीं चले जाएं आपको चर्चा केवल चुनाव की मिलती है। हम भी लगातार आपसे बातचीत में रहते हैं और बताते हैं कहां क्या हो रहा है, हमारा अनुमान होता है कि वहां पर ये स्थिति है। इन तमाम बातों के बीच यानी कि राजनीतिक चर्चाओं के बीच चुनाव का माहौल क्या है, मैं हरियाणा के एक ऐसी विधानसभा के साथ आपके साथ हूँ जो सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विधानसभा जिसके अंदर कोई शहर तो दूर कस्बा भी नहीं है, जो अभी तक ना सब डिवीज़न है ना तहसील है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ पृथला विधानसभा की, और मेरे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी। सुरजेवाला जी, मैंने ठीक कहा ना कि ना तो तहसील है ना सब डिवीज़न है? हाँ, ब्लॉक हेडक्वार्टर तहसील है, ब्लॉक हेडक्वार्टर में बन गया है पिछले। और इस विधानसभा क्षेत्र में जी, पृथला विधानसभा क्षेत्र का एक चीज और रही है जी, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इसने विधायक दोबारा नहीं बनाया कोई भी जी, जी जी। जिसको एक बार बना दिया जी, उसको दोबारा मौका नहीं मिला जी। ऐसे कई हैं, तीन नेता ऐसे हैं जो विधायक बने यहाँ से जी, तीनों मैदान में अब की बार भी हैं जी जी। टेकचंद शर्मा विधायक बने, अब की बार भी मैदान में है जी, भारतीय जनता पार्टी से। रघुवीर सिंह तेवतिया विधायक बने, अब की बार भी मैदान में है कांग्रेस से ही। और नैनपाल रावत विधायक बने, अब की बार भी मैदान में है। बिल्कुल, पहले हवाई जहाज पे उड़े थे, अब की बार कैची लेके आए हैं जी, सीजर जी जी जी, चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है जी। आज पृथला विधानसभा को लेकर के 104 गांव हैं इसके अंदर। हाँ जी, पृथला विधानसभा का 2009 से अस्तित्व में आई है। हाँ, जितना उसका आमूलचूल विकास होना चाहिए था वो आज तक दिखाई नहीं पड़ता जी। कहीं निकले तो हालात बहुत अच्छे नए हैं, लोग देख रहे हैं कि एक बार जनप्रतिनिधि कोई ऐसा मिले कि जो फिर से काम करवा दे जी। मुकाबला यहाँ पर तिकोना माने या सीधा माने? लगभग सीधा ही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हाँ, में टेकचंद शर्मा रघुवीर सिंह तेवतिया के बीच, बिल्कुल दोनों के बीच। नैनपाल रावत के लिए तो मुझे लगता कोई जगह लोगों के दिल में रही नहीं। लोगों के दिल की बात छोड़िए, वो बाकी रेस में इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ एक वर्ग, एक थोड़ा सेक्शन सोसाइटी का वो साथ दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा, राजपूत समाज की ज़्यादा नहीं है जी। जैसा पिछली बार इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था और उसका रिस्पांस मिला और उससे थोड़ी सी इनके प्रति एक भावना भी पैदा जी। हमारी टीम फील्ड में गई जी, लगभग अभी तक 22-23 गांव किए, लगातार आपके बीच में आएंगे हम जी, आपसे बात भी करते हैं और पृथला विधानसभा क्षेत्र के जो दर्शक हैं आपके बीच लगातार आएंगे, आपको बताएंगे 22-23 गांव अभी तक किए हैं जी जी जी। लोग नैनपाल का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, खैर जी जी जी, वो चलता है जाकी रही भावना जैसी, और वो तो चलता है, अगर उनकी नई पसंद है तो अपना यही एक मौका होता है। पृथला विधानसभा से पहले नहीं कह पाते लोग, ना कहते हाँ, चुनाव में खेलते, चुनाव के समय जो बात होती है अपने उद्गार विचार जो सब कह लेते हैं, सब प्रकट करते हैं लोग। ठीक है, जैसा उनकी इच्छा है। आपने DDPO BDPO इन पोस्टों पर रहते हुए पृथला के गांवों को देखा होगा अपने पास से, बहुत अच्छी तरह। लोगों का मिजाज कैसा है वहाँ के लोगों का? लोग अच्छे हैं, अच्छा इलाका है और लोग बहुत अच्छे हैं और विकास की उनकी लगन है, काम करने की चाहते भी हैं, और जैसा उनका अपना है लोग अच्छे हैं।
नो डाउट। जातिवाद भी इस क्षेत्र में कोई खास ज्यादा नहीं, नहीं। भाईचारा है और अच्छे भाईचारा है, बड़े गांव है, जैसे खुद पिरथला गांव बहुत अच्छा गांव रहा है बिल्कुल, और इसी तरह जलोली है, मौला छायसा हो गया, दयालपुर है, छायसा, ये तो बहुत ही बड़े गांव है, बड़े बड़े गांव है इसके अंदर, फतेहपुर बिलोच है, फतेहपुर बिलोच है, ये बहुत बड़े गांव है, और इधर ये सीकरी आ जाता है जी, तो लोगों की विकास परक सोच है यहाँ की, लोग अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, मैं तो ये कहूँगा अच्छे से, मैं तो ये कहूँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इलाका है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत खैर हमारे हरियाणवी सारे बहुत अच्छे हैं, नहीं हाँ है, बट ये देहात का इलाका जो है और गांव का भी अच्छा, गांव के अंदर तो वैसे ही गांव का मतलब होता है कि भाईचारा, प्यार, इकट्ठा बैठना उठना, कोई ज्यादा छोटे ऊंचे का भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं, ऐसी घटना कभी हुआ करता था थोड़ा बहुत, वो भी पटना शुरू हो चुका धीरे धीरे, पिछला में कांड हुआ था जी, वो इस वजह से नहीं था, वो राजनीतिक था, एक बच्चे को पुलिस की गोली लगी थी, वो एक गलती से हुआ था, अदरवाइज यहाँ ऐसी कोई घटना या ऐसा कुछ नहीं, पृथ्वीलाल वो तो पॉलिटिकल था, वो तो जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी और वो चौधरी देवीलाल जी की पार्टी के रोको करा था, वो एक राजनीतिक आंदोलन था, वो तो कुछ नहीं, इससे कोई ऐसा कुछ नहीं, पृथ्वीलाल के अंदर ऐसी कोई बात होती ही नहीं है ज्यादा जो मैंने देखा है जी। जी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपको? मैंने बताया ना कि वहाँ कंटेस्ट है और फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, और जैसा कि आपने कहा कि दोनों पहले विधायक रह चुके हैं, रघुवीर तेवतिया जी भी और टेकचंद भी, टेकचंद जी पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा 2014 में, विधायक चुने गए, 19 में वो बीजेपी का समर्थन किया उन्होंने लगभग पूरे अपने यो, और उन्होंने कुछ अपना साथ लग के सरकार से काम भी करवाए जी, मगर उन्होंने फिर टिकट नहीं मिला उनको 2019 में, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और इस बार पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो काफ़ी जुझारू हैं और पहले जिला परिषद में उपाध्यक्ष रहे जी, फिर वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे जी, तो जिला परिषद में भी उन्होंने अच्छा काम किया था उस वक्त, इलाके के अंदर अपना मेल जोल रखते रहे, अब भी बरकरार उनका रहा है, भले उनका गांव उधर पड़ता हो, खां भी भिड़ूकी, भिड़ूकी सॉरी, वो तो फरीदाबाद के हो गए, जब एरिया के हो गए, उनका दफ्तर है बाकायदा, वो दफ्तर के अंदर मिलते रहते, तो अलग बात होती है कभी कोई कहीं रहा हो तो वाशिंदे यहीं के हैं, नहीं नहीं वो चुनाव यहीं से लड़ते हैं, यहीं लड़ते हैं, सब कुछ यहीं है, तो उनका ऑफिस यहीं है, रहते यहीं रहते भी, तो मैं वो कह रहा था बात आपको जो बता रहा था जी, कि जो आपने कहा कि अभी विधायक रहते हुए काम किए जी जी, 2014 से 19 का जो उनका टर्म था जी, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, लोग कहते हैं कि वो विकास की दृष्टि से एक स्वर्णिम युग था जी, जैसे कौशल विश्वविद्यालय को देख लें अगर, हाँ जी, हालांकि कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं जी, लोग जी, हर चीज़ के पक्ष में लोग नहीं होते, हर चीज़ के विरोध में लोग नहीं होते, ठीक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक मील का पत्थर है जी, खासकर पृथला एरिया के लिए जी, 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 एक तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनने के बाद आप सोचें कि रोजगार के अवसर खुलते हैं जी, जी, बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल जाता है, ठीक, और फिर जो कौशल विश्वविद्यालय अगर हो गया जी, जी, तो हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय वो जी, जी, और हुनरमंद बनाने में और उसमें नौकरी देने में सहायक तो सिद्ध होता है, आईएमटी का भी एक क्षेत्र उनका उसमें, दूसरा आईएमटी वाला हो गया जी, फिर वो बताते हैं कि काम बहुत सारे हुए थे, खैर जी, विकास कितना मायने रखता है लोगों के लिए? विकास तो लोग चाहते हैं, उसी के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाता है, यही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी का जो आंकलन है वो इसी पैमाने पे ही उसको जज किया जाता है, और जैसा आपने कहा कि वो 14 से 19, हालांकि वो बीएसपी से चुनाव लड़ा था, समर्थन दिया था, समर्थन देने के बावजूद उन्होंने सरकार से काम लेना बड़ा मुश्किल होता है, आप दूसरी पार्टी से विधायक हैं बिल्कुल, और सरकार से आपको काम लेना है, बहुमत की सरकार थी वो, बहुमत की सरकार थी, कोई इनको जरूरत नहीं थी खास किसी को, ये आपका अपना कौशल, आपकी अपनी हुनर तो ये आप काम ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरी पार्टी का विधायक को इस तरह से काम नहीं मिलते उसको। मुझे अगर बात चल रही थी जो कौशल विश्वविद्यालय खुला जी, इसकी चर्चा थी पहले फरीदाबाद के लिए तिगांव में खुले जी, फिर इसकी बात आई एनआईटी में खुले जी, फिर इसकी बात आई पलवल में खुले, हाँ जी, तो जो आप बता रहे हो अपने कौशल से जी, यानी कि कौशल से कौशल विश्वविद्यालय वो बिल्कुल पृथला में लेके चलेंगे, जबकि आपने जो बताया इंडिपेंडेंट एमएलए को, खासकर जब अगर सरकार अल्पमत की हो, हाँ
हाँ तब तो पूछ तब तो पूरी पूछ होती है, जैसे ज्यादा ही हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। ठीक बात है। 14 से 19 की जो सरकार थी वो बहुमत की सरकार थी, और उसमें काम लेना वो 47 MLA अपने ही थे बीजेपी के खुद के, वही कह रहा हूँ ना। तो एक इंडिपेंडेंट हो या दूसरी पार्टी का जो समर्थन कर दे रहा हो उसको इतना ज्यादा महत्व नहीं मिलता और काम लेना इतना आसान नहीं होता। बंदे की अपनी वो उसका अपना रुतबा, उसकी अपना हुनर, उसकी अपना है, जिस रसूख सरकार के साथ कैसे मिलके वो काम ले तो उसके हिसाब से काम अगर कोई लेता है तो ये उसका अपना कौशल, श्रेय उसको संबंध ये सब कुछ मायने रखता है, इसका श्रेय उसको जाता है कि उन्होंने काम करने की एक उसके अंदर जज्बा है। और यानी कि जो भी काम हुए उसका श्रेय टेकचंद को जाता है बजाय बीजेपी गवर्नमेंट के भी, मैं तो समझता हूँ। हाँ नहीं, वो जनप्रतिनिधि थे उस समय। हाँ जी, रघुवीर सिंह तेवतिया को काम मानते हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया एक पंचायती आदमी है और पहले विधायक रहे, सरपंच भी रहे, अपने गांव के सरपंच भी रहे। इनके पिताजी का बड़ा इलाके में अच्छा नाम, चौधरी घसीटा। हाँ, चौधरी घसीटा राम, उनको एक पंचायती तौर पर एक अच्छा आदमी मानते थे। जहाँ पंच इकट्ठे होते थे तो उनकी वजह से ही ये परिवार का नाम काफ़ी अच्छा है। और रघुवीर तेवतिया जी भी एक सज्जन हैं और अच्छे आदमी हैं और ठीक छवि है उनकी भी, चुनाव लड़ रहे हैं तो दोबारा उनको टिकट मिला है, दोबारा फिर वो चुनाव मैदान में हैं और अच्छी फाइट में हैं। अच्छा सुरजेवाला जी, जी ये दो कैंडिडेट हो गए। हाँ जी। तीसरे नैनपाल रावत जी, चौथे निर्दलीय दीपक डागर जी, पांचवे बीएसपी INLD के सुरेंद्र वशिष्ठ जी, छठे एक और आजाद समाज पार्टी और JJP के कैंडिडेट हैं गिरिराज जटोला। हाँ जी। पहले ले ले बीएसपी और जो कैंडिडेट ASP का कैंडिडेट है, क्योंकि दोनों जगह पर यहाँ पर एक केतली के निशान पर है, एक हाथी के निशान पर है जी। वोट कटवा? हाँ, ये तो वोट कटवा ही है। या कुछ चुनाव के परिणाम पर असर डालेंगे कुछ? नहीं, वोट कटवा तो परिणाम पे तो असर डलता ही है। मैं वोट कटवा है तो जो अब देखो दोनों पार्टियों का जो कोर वोटर है, पहले इनकी बात कर लेते हैं, ASP और ASP और BSP के जी, इनका जो कोर वोटर है वो दलित है जी, दोनों पार्टियों का। हाँ, दलित ही कांग्रेस का वोटर है जी। मायावती भी रैली कर गई यहाँ पर। हाँ जी, अब देखना जी जी जी। और इधर जो ASP के जो हैं चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, वो भी रैली कर गए। अब लेकिन कोई ज्यादा कितना डेंट डालेंगे कांग्रेस के वोट को? रैली का इतना मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा असर नहीं, जब दलित वोटर्स की बात है। नहीं, दलित वोटर के है, दलित वोटर भी सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। वो इतना नहीं है कि भी वो रैली कर गए और मायावती जी ने बिल्कुल ही हवा को पलट दिया हो। फर्क तो पड़ेगा बहुत माइन्यूटली, कैडर बेस का जो उनका वर्कर भी है अपना, बहुत थोड़ा। कांग्रेस को कितना डेंट मारेंगे? कांग्रेस को करेंगे डेंट तो होगा। मैंने आपने कहा कि वोट कटवा देखिए डैमेज तो करता ही है। अब रही बात, ये कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी तरफ दीपक डागर है। हाँ, वो भी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं रघुवीर तेवतिया जी, वो भी उनको संभव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो भी उनको जाट मतदाताओं के अंदर, हाँ, वो भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब रही बात, इसी तरह नैनपाल जो है, तीन चार गांव है यहाँ पर खासकर मुस्लिम बाहुल्य जी, बीजोपुर मुझे बता रहे थे, वहाँ आज मेरी कुछ चर्चा लोगों से हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। उन गांव में जो मोमडन गांव है, मोमडन मतदाता है, मुस्लिम कंदावली है, बीजोपुर है, उसमें भी इस दीपक डाकर का बता रहे वर्चस्व है। निजी संपर्क जो होते हैं, निजी संपर्क होते हैं तो हो सकता है होगा। अगर हम माने तो ASP भी, ASP का जो कैंडिडेट है, हाँ जी, वो बाईकास्ट जाट है जी, गांव का सरपंच है लंबे समय से जी, और चंद्रशेखर की पार्टी से हैं जी। दलित प्लस जाट का कम्बिनेशन नुकसान कांग्रेस को थोड़ा बहुत तो जितना भी होगा तो होगा, जितना भी होगा। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं हम अगला कैंडिडेट जो है जी, बहुजन समाज पार्टी वाले जी, उनका जो है ब्राह्मण वो, पर ब्राह्मणों ने उनको अडॉप्ट नहीं किया, पिछले चुनाव में भी नहीं किया, अब भी नहीं किया। ठीक है। मैं जहाँ उनका घर है जी, जी बगौला से चलते हैं मांधकोल रोड पर, तो उनका घर है वहाँ पर जी। मैं वहाँ किसी से पूछ रहा था, मैंने इनका क्या है, तो कहने लगे नहीं जी ये तो वहीं के हैं अभी, यानी कि उनको अडॉप्ट नहीं किया लोगों ने।
नहीं, उसके अलावा वैसे भी कोई 8,000 वोट पे पिछली बार रुक गए थे और ब्राह्मण वोटर अकेले ब्राह्मण थे पिछली बार जी, तब भी उनको नहीं मिला। मुझे लगता नहीं कि उनके साथ ब्राह्मण है, वो भी दलित वोट। देखिए ब्राह्मण वोट जो है आपने जिक्र किया वो टेकचंद को जा रहा है मैक्सिमम, उनका अपना उस रसूख की वजह से भी और पार्टी की वजह से। वो तो बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मण वोट की अगर आप बात कर रहे हैं ना, अब वैसे ही आप अगर बात करेंगे तो लोगों के जहन में है ही नहीं चुनाव ही दो। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि ये वोट कटवा वाला भी तो चुनाव को बड़ा थोड़ा बहुत डैमेज तो कर ही रहे हैं। अच्छा आप इधर दीपक डागर को लें अगर जी, तो वो भी जाट प्लस अगर जो भी वोट लेते हैं, टिकट भी उनको मिला फिर वो कट गया, सिंपथी। हाँ बिल्कुल होती है, थोड़ा बहुत होता है। मेरी, मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में बात हो रही थी जी, तो वो कह रहे थे कि दीपक डागर हमारे गांव में जी 600-700 वोट ले लेंगे, प्योर जाट गांव वोट है वो जी। जी रघुवीर सिंह तेवतिया के समर्थक गांव माना जाता है, तो सीधा डेंट डाल दिया उन्होंने। अरे डेंट तो डलेगा, नेचुरल है, जब वोट कटवा कि फिर उसको वोट कटवा मत बोलो, अगर डेंट नहीं डल रहा है तो फिर वो वोट कटवा नहीं है। ठीक बात है, जब वोट कटवा है तो डेंट ही तो डल ही रहा है, ये तो है ही। तो जीतने के तो उसमें आसार में है नहीं कोई भी, वोट ही कट रहे हैं इनके जी। जी एक कैंडिडेट नैनपाल रावत, हाँ जी नैनपाल रावत राजपूत समाज से हैं जी, वो नुकसान बीजेपी को करेंगे जितना, वो बीजेपी को नुकसान करेगा जो भी होगा, हाँ जितना भी करेगा। मेरी, हमने जो बता रहा था मैं आपको, जो हमने सर्वे कराया जो जी चल रही है, जो आजकल अभी तो प्रारंभिक है, इसके अंदर हम, हमारा प्रयास ये रहेगा कि पलवल और फरीदाबाद जिले के जी मैक्सिमम वोटर्स के पास पहुंच जाएं अगले 4 दिन में हम। ठीक है, तो प्रथला का जो निकल करके आया वो राजपूत वोटर है नैनपाल रावत का, वो भी उनसे नाराज है, बिल्कुल पूरी तरह से नाराज दिखा, मतलब नाराज के अलावा उनको पता है कि ये रेस में नहीं है और वोट खराब करना आजकल, मुझे तो किसी ने कहा कि वो 5वें नंबर के कैंडिडेट हैं जी, वोट खराब करना कोई पसंद नहीं करता। हाँ, साहब जी तो पीछे उनका था कि वो चुनाव में रेस में थे तो उनको वोट मिला, इस बार नहीं है, वोट कोई खराब नहीं करना चाहता। तो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, बाकी ज़्यादातर राजपूत जो है ना वो भाजपा को वोट डालेगा जी, ज़्यादा राजपूत भाजपा को वोट दे जाएगा जी। तो उन सारी बातों को देख के अगर आप जोड़ गुना ना घटा करके जो सारा देखें तो मुकाबला दो के बीच ही आता है जी। और टेकचंद जो है वो चूंकि पहले भी अपना रहा है, लोगों से उनकी मिलनसारिता, कौशलता भी दिखा दी आपने, कौशल दिखा चुके हैं अपनी मिलनसारिता, और काफ़ी जुझारू है और एक्टिव है, तो उनका प्रभाव तो है। अच्छा, इलाके में टेकचंद शर्मा रघुवीर सिंह तेवतिया में कैसा मुकाबला मानते हैं, कितनी फाइट? मैं तो बहुत कड़ा मुकाबला मानता हूँ, 19-21 का फर्क हो सकता है। 21 कौन 19 कौन? और अभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हाँ प्रथला में ये प्रधानमंत्री प्रथला में आ रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली लगता है कि उसका प्रभाव, अनुराग ठाकुर भी होकर के गए अभी, हाँ उसका जो है लाभ टेकचंद को सीधा सीधा मिलने की गुंजाइश है, तो हो सकता है इनको ये 21 चले जाए, एज इनको मिलता है, मिल सकता है। तो ये तो प्रथला विधानसभा का लेकर के हमारा आकलन था, जिसके अंदर देवेंद्र सिंह सुरजेवाला जी बता रहे थे कि मुकाबला कड़ा है। योगी आदित्यनाथ आए थे आज, उन्होंने भी अपील की, इससे पहले अनुराग ठाकुर राजपूत मतदाताओं को साधने के लिए आए थे, और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी भी रैली प्रथला विधानसभा में ही है 1 तारीख को। कितना उन रैलियों का असर होगा, किस करवट ऊँट बैठेगा, आज सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि एज जो है अपर हैंड जो है वो टेकचंद शर्मा का है, और मुकाबला कड़ा है, कांटे का मुकाबला है, जो वोट कटवा पार्टीज हैं वो किसका कितना डैमेज करेंगी नज़र इस पर भी रहेगी। आपके साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे और बताएंगे कि कहाँ क्या हो सकता है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें। इस साथ साथ यही बताएं कि हमारे इस एनालिसिस से आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।